अटी आपको रोने की जरूरत नहीं है, केडीए जाना आपको जरूरी है। आपकी सबसे बड़ी गलती है आप केडीए नहीं गई हैं। तो भाई हमारा फ्लैट तो मिल गया यार, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत लोगों को नहीं मिला हुआ है। तो कैसा आंटी आपका कोई फ्लैट वैट है क्या? हा? फ्लैट लेट है क्या आपका? ये तो मतलब मिलना होगा ना? हाँ, ये कॉलोनी है यार, मिलना। अच्छा, इसे इसे जमा हो गया आपके? सब हो गया। अच्छा हाँ। तो क्या हुआ, आप दिक्कत में लग रही थोड़ा? बेटा दिक्कत की क्या, मतलब वहाँ के अगल बगल परेशान करते हैं, कहते इसको भगाओ यहाँ से नहीं, भगाओ यहाँ से नहीं। अरे रोइए नहीं, रोइए नहीं, इधर इधर आप कुर्सी बैठ जाइए, इधर आ जाइए, भगाओ यहाँ से नहीं। परेशानी परेशानी हुई बैठे, किराए पे रहती हैं आप? आंटी सभी लोगों को यही बहुत दिक्कत है, हम समझ सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? भैया प्रॉब्लम यही है कि हमें मकान मिल जाए, हमारा पैसा जमा हो गया, हमको कॉलोनी मिल जाए। आपको ब्याज वगैरह देना पड़ा है क्या? नहीं कुछ नहीं जमा, कुछ नहीं बेटा देना पड़ा हमें। अच्छा, हमने बड़े दुखन से पैसा सब जमा कर दिया। अच्छा, मतलब टाइम से आपने जमा कर दिया। लॉकडाउन भी लगा था। अच्छा, लॉकडाउन बीते हमने पैसा जमा किया। अच्छा अच्छा, हमने तोड़िया बेच दिया, बिछिया। अरे अरे अरे, मैंने कॉलोनी को बेच सब बेच दिया, हमने कॉलोनी को बेच दिया। तो भाई आप लोग समझ रहे हैं यार, लोगों को कितनी दिक्कत है। आंटी आपने सब पैसा, रोइए नहीं आप, पहले परेशान, ठीक है? बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप रोएंगी तो इसे कुछ काम नहीं बनेगा, है ना? वैसे मैं ये चाहूंगा, तो आपने जब सब पैसे टाइम से जमा कर दिए हैं, तो आपके पास एक कॉल नहीं आया मेंटेनेंस चार्ज और कॉर्पस फंड के? कॉल नहीं है। तो आप अभी केडीए कब से नहीं गई हैं? आप केडीए को बहुत दिन से नहीं गए, बहुत दिन से नहीं गए, 5-6 महीने। तो तबीयत तो नहीं ठीक रहा बेटा, तबीयत खराब हो गई थी आपकी? हाँ, अब मेरे नाम कॉलोनी है। अच्छा, मेरे नाम कॉलोनी। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी जी, जय। क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत में लग रही हैं, मेरे को रोती हुई दिखी थी आंटी, काफ़ी परेशान थी। तो आंटी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने फॉर्म भरा, तो आपने सभी किस्तें आप बता रही टाइम से जमा कर दिए, फिर भी आपके पास कॉल नहीं आया। जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था, हाँ? वो मोबाइल नंबर वही है अभी जो मतलब आपके पास है वो? नहीं नहीं, जब मेरा कब्जा लेटर मिला था, हाँ, तब मुझे मतलब फोन आया था। अच्छा, तो मुझे कागज मिले थे, हाँ? एक 100 रुपया जमा होते थे जब, हाँ, 100 रुपया नहीं, जब आपने किस्त पूरी जमा कर दी, आपने एक साल पहले जमा कर दी होगी पूरी किस्त, है ना? 25-25 हज़ार की 6 किस्त है। उसके बाद आपको कॉल नहीं आया? सावित्री देवी, पति देव का क्या नाम है? राकेश गुप्ता। अच्छा, फ्लैट नंबर कुछ याद है कौन सा मिला है? 37, 38, 53, 52, 55, 71। अच्छा, उसमें सब मतलब आपका नीचे का ही फ्लोर मिल गया है आपको, है ना? ग्राउंड फ्लोर। हाँ, ग्राउंड फ्लोर। आंटी आप जो भी दिक्कत में, आपकी दूर होगी, ठीक है? परेशान नहीं हुई है, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ हैं। मेरी केडीए में बात हुई है अंकल से अभी, उन्होंने मेरे को ये सजेशन दिए कि भाई सबका मिल रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो ये वीडियो तो हालांकि आगे तक जा ही रही है, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, अभी जो लोग देखेंगे आपका, वो देखेंगे आपको और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, घर मकान वाले जहाँ पे आप किराए पर रही थी, अरे 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 अरे, नहीं परेशानी हुई आंटी, परेशानी हुई है। कहते हैं तू, हम तो माँ लगते ना, तो 60 साल की उम्र है। हाँ हाँ, कहते तू क्या जाने, हम तो दुनिया भी चलाते हैं। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल समझते हैं, बहुत बेवकूफ लोग हैं जो भी हैं इनके अगल बगल वाले। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की सिचुएशन होती है। अभी वो निकल के जब यहाँ वे रहने आएंगी, बहुत लोगों के आंटी पैसे जमा नहीं हो पाए समय से, मेरे नहीं हो पाए थे, मेरी 3 किस्त हमने बाद में जमा की, 13-14 हज़ार रुपए ब्याज लगा के। बेटा हम जब जान गए, भैया हमारा बोला कि मम्मी एक किस्त में, आप केडीए जाइए, मेरी बात सुने, हाँ। आप केडीए जाइए, वहाँ पे बोलिए कि भैया मैं सावित्री देवी हूँ, ठीक है? और उनको अपनी पूरी बात बताइए आराम से। देखिए वो लोग बहुत भीड़ में होंगे, बहुत लोगों का काम निपटाना होता है, तो वो लोग जाहिर सी बात है बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और काम तो कर ही रहे होते हैं। मेरा मेन मुद्दा यही है कि लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है? बाबू हम बहुत तकलीफ, मामा बाबा हमें जीना नहीं, यही हम। अरे नहीं नहीं, हम ये भी कह लेते हैं हम लोग चुपके कुछ खा लें तो मेरे बेटे को कॉलोनी नहीं मिलेगी, हम बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, समझते हैं।
चलिए आप परेशान ना होइए, ठीक है। हम ये कहते हैं हम जो कुछ खा पी लेंगे तो मेरे बच्चे फिर भटकेंगे, हम अपने बच्चे निकाल। हाँ, बच्चों के लिए ही पूरा करती हैं। मेरे बच्चे जिंदगी भर बीतेंगे किराए पे सुनते सुनते सुनते। आप इधर पे एक बार बोल के अनुरोध कर दीजिए केडिया वाले भैया लोगों से कि आपका काम किया जाए। भैया ऐसे बोले मेरा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैंने सुना है कल में बेटा सब लोग। हाँ, अब देखिए आंटी, आपकी गलती ये रही है, मैं आपको बता दूं, केडीए वालों की गलती नहीं है, आप केडीए गई नहीं, सबसे बड़ी गलती आपकी है, ठीक है। क्योंकि वो लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम ना करें भाई, एक बार नहीं करेंगे, इतनी भीड़ होती है आंटी, आप कई बार गई होंगी तो भयंकर ऑफिस में भीड़ रहती है, और इस समय सब लोग पागलों की तरीके वहां पे जा रहे हैं, मेरा काम कर दो मेरा काम कर दो, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इनका काम किया जाए, और आंटी बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। आप एक बार केडीए जाइए, वहां पे बात कीजिए आप पंकी वाले बाबा। आंटी कल आप जाइए। हम कल जाएंगे। हाँ कल जाइए केडीए, ठीक है। सो भाई ये सिचुएशन है। आंटी एक बार अपना नाम बता दीजिए। सावित्री देवी। अपने पति पति देव का नाम? राकेश गुप्ता। ओके, करती क्या है आप? हम बेटा कुछ नहीं, चौका बर्तन कम बर्तन अच्छा। खाना बनाए आते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। खाना मतलब मेहनत करती हैं। सो भाई इन्होंने अपनी तोड़ियां बिछियां मतलब पायल और कान के झाले वगैरह सब कुछ बेच के इन्होंने ये फ्लैट किया है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इनका साथ दिया जाए और सपोर्ट किया जाए, हम लोग मिलके सपोर्ट करते हैं एक दूसरे। हम पांच केडीए जाइए, ठीक है, केडीए जाइए, वहां पे एकदम आपको रोना नहीं है, एकदम आराम से बात करिए, ठीक है, आपका पूरा काम हो जाएगा। हम कहते थे कि अब मिल जाएगी, अब जब उसमें ना उसमें मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे, इसमें मिल गए। आप गई थी केडीए? हाँ, याद नहीं आ रहा था आपको? याद है, दो महीना हो गए, तीन महीना हो गए गए थे। समझन बेटा हमें कॉलोनी नहीं आ गई है, तो कहने लगी अभी नहीं आ गई, अभी नहीं, अभी तो अभी कुछ देर टहलो। अच्छा, वहाँ पे कई सारे लोग होंगे, भीड़ वगैरह लगी होगी ना? नहीं लगी, दो जने थे, केवल दो ही लोग थे। नहीं, वहाँ को बताएं, वहाँ पे सैनी जी नहीं होंगे, वहाँ के जो मेन कार्यकर्ता है ना वो वहाँ पे नहीं होंगे। मुझे कागज वही दिए ना जो तीन कागज मिलते हैं, हाँ उन्हीं ने दिया था, फिर हम गए दोबारा। अच्छा, कागज लेके जाना सारे वहाँ पे। हाँ बताओ। देखिए वीडियो आंटी एक तरीके से अधूरी है। हाँ, है ना? हाँ, आप लोगों को आपको ध्यान देना पड़ेगा खुद से कि आप कागज भी नहीं लाइए, इस तरीके से मैं आपको पूरी कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। अभी आपको मेंटेनेंस चार्ज वाला कॉर्पस फंड वाला, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ।